दोस्तों बचपन से ही हम सोचते थे कि काश कोई उड़ने वाली गाड़ी हमारे पास होती तो हम उड़ के फुर कहीं पे निकल जाते। और जब हम बड़े हुए तो उसके बाद हम सोचने लगे काश ये ट्रैफिक जैम से बचने के लिए कोई उड़ने वाली कार होती तो फटाक से मैं इस ट्रैफिक जैम को करता पार और निकल जाता दूसरी तरफ। दोस्तों बचपन की जो सोच थी वो अब आते आते किसी तरीके से वास्तविकता में परिवर्तन होने वाली है और 2021 के अंदर हमारे को मिलने वाली है उड़ने वाली कार जिसके अंदर ना तो किसी पायलट की और ना ही किसी पायलट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पहली उड़ने वाली कार 2021 के अंदर आने वाली है और क्या रहेगा उस कार के अंदर, क्या क्या है खासियत। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। दोस्तों गाड़ी का नाम है किटी हॉक, मतलब उड़ने वाली गाड़ी का जो नाम है वो है किटी हॉक और इसके पीछे जो है वो है गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और इसको बैक किया है जो गॉडफादर है सेल्फ ड्रिवन कार के मिस्टर सेबेस्टियन। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग का आपस में कोलैबोरेशन है और जो गाड़ी है उसकी स्पीड भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी की स्पीड जो है वो लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की रहेगी और एक बारी में 100 किलोमीटर चलेगी। ये एक हाइब्रिड गाड़ी है, मतलब हाइब्रिड एक फ्लाइंग कार है और इसके अंदर आपको 36 फीट के जो है, मतलब इसके जो पंख जो होंगे वो 36 फीट के होंगे। ये काफ़ी बड़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होते थे वो तो काफ़ी चौड़े होते हैं और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कम स्पेस के अंदर भी लैंड कर सके और उसके हिसाब से वहाँ से टेक ऑफ भी कर सके। तो इसका जो टेक ऑफ होगा और लैंडिंग होगी वो कुछ हेलीकॉप्टर की तरह होगी, लेकिन ये उड़ेगी प्लेन की तरह, यानी कि कम स्पेस के अंदर भी एक ही जगह से उड़ सकती है और एक ही जगह पर ये वापस लैंडिंग भी कर सकती है। लेकिन जब उड़ने का टाइम आएगा तो इसके जो पंख हैं वो फैल जाएंगे और ये चलेगी लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जहाँ पर होगी काफ़ी कम जगह वहाँ पर भी इसे लैंड कराया जा सकेगा और वहाँ से इसे टेक ऑफ भी कराया जा सकेगा। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर आता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि इसके अंदर कोई को पायलट की, मतलब पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी पायलट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेल्फ ड्रिवन कार जो बनाने वाले जो गॉडफादर हैं मिस्टर सेबेस्टियन, उनका इसमें इनपुट है, तो इसको बहुत ही सेफ इसको बनाया गया है। ये कहीं पर भी टकराने के लिए इसमें सेंसर इतने लगे हुए हैं कि अपने आप चलेगी। और गूगल का सहारा इसमें इसलिए ले गया क्योंकि आप किसी डायरेक्शन को फीड करेंगे, मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली से गुड़गांव, आप स्पेसिफिक उस जगह का उसमें फीड कर देंगे और उसके बाद बस छोड़ दीजिए इस गाड़ी के ऊपर, ये आपको उस जगह पे लेके जाएगी। तो सेल्फ ड्रिवन होगी और ये आने वाले टाइम में जो है टैक्सी के मोड पर यूज़ होने वाली है। तो मतलब आप क्या ज़माना आएगा कि ना, मतलब आप अपने छत पर खड़े होंगे और वहाँ से आप इनपुट डालेंगे कि मुझे कहीं पे जाना है और उसके बाद आप सीधा, जैसे मैं रहता हूँ तो मुझे इफ्को चौक आना होता है तो इफ्को चौक में डालूंगा और उसके बाद गाड़ी आएगी सीधा छत के ऊपर, मुझे वहाँ से मैं उसके अंदर बैठूंगा और डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो फुली ऑटोमेटेड ये ड्राइव होगी और 2021 में आने की इसकी उम्मीद है। न्यूजीलैंड के अंदर इसके अंदर ट्रायल हो चुका है। मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों जो काल्पनिक है, मैं आपको वीडियो इसके अंदर दिखा रहा हूँ जिस वीडियो के अंदर आप इस गाड़ी का ट्रायल देख सकते हैं। जहाँ तक इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 2021 में अगर ये आ रही है तो मान के चलिए 2030 तक काफ़ी हद तक हम उड़ने वाली गाड़ियाँ देख पाएंगे। टेक्नोलॉजी कमाल की हो गई है। इसी तरीके के वीडियो अगर आपको देखने हैं दोस्तों तो चैनल के साथ बने रहिए और मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।